नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र कुमार। और दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से हम टाटा की गाड़ियों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 22 जनवरी 2020 को टाटा अल्ट्रोज़ की लॉन्चिंग हो रही है, और टाटा अल्ट्रोज़ के साथ साथ में टियागो और टिगोर का फेसलिफ्ट वर्जन भी लॉन्च किया जा रहा है V6 इंजन के साथ में। और आज के दिन में टाटा की तरफ से हम भारतीयों के लिए एक और अच्छी खबर आई हुई है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर टाटा टियागो या टिगोर का भी एनकैप क्रैश टेस्ट कराया जाए तो वो भी काफ़ी बेहतरीन स्कोर लेकर के आएगी। और आज के दिन में टाटा टियागो और टिगोर का भी ग्लोबल एनकैप टेस्ट कराया गया है, और यहाँ पर भी टियागो और टिगोर जो है वो 4 स्टार जो है सेफ्टी रेटिंग्स लेकर के आई है। तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। और हाल के दिनों में टाटा की गाड़ियाँ जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी के पैमाने पर जो है काफ़ी अच्छा स्कोर कर रही हैं, और भारतीयों के सेफ्टी और सिक्योरिटी के ध्यान में रख करके टाटा जो है अपनी गाड़ियां बना रहा है, जो एक हमारे देश की देसी कंपनी की तरफ से ऑफर की जा रही है, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। अभी हाल के दिनों में जो है आपने एक और सेफ्टी और सिक्योरिटी के तौर पर देखा होगा कि महिंद्रा जो हमारे देश की एक और ऑटोमोबाइल मेकर कंपनी है, जिसकी गाड़ी महिंद्रा XUV300O जो है वो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स लेकर के आई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे देश की जो ऑटोमेकर कंपनियां हैं, जो हमारे लिए काफ़ी सेफ और सिक्योर गाड़ी जो है बना रही हैं, वही आज भी हम लोग जो है विदेशी कंपनियों के पीछे भाग रहे हैं, और उनकी गाड़ियां जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी के रेटिंग्स में जो है वो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रही हैं। अभी हाल के दिनों में आप देख सकते हैं कि हुंडई की जो सेंट्रो है, जिसकी एनकैप टेस्ट कराई गई थी, और मात्र जो है वो 2.5 सेफ्टी रेटिंग्स लेकर के आई है। आज भारत में अल्ट्रोज़ को लॉन्च किया जा रहा है, और अल्ट्रोज़ को भी 5 स्टार रेटिंग्स मिले हुए हैं। अल्ट्रोज़ के लॉन्चिंग के साथ साथ टियागो और टिगोर का भी फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया जा रहा है, और आज के दिन जो है उनकी भी एनकैप ग्लोबल क्रैश टेस्ट की जो है वो रिपोर्ट आ चुकी है, और टाटा टियागो और टिगोर भी 4 स्टार लेकर के आई हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टाटा की जितनी भी गाड़ियां अभी प्रेजेंट टाइम में भारत में बिक रही हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी के मापदंड पर जो है वो काफ़ी खरी उतर रही हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, और उम्मीद है कि आज की वीडियो से आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय झारखंड, वंदे मातरम।